नमस्कार मैं अंजना खबरदार न्यूज से स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में मध्य प्रदेश के इंदौर में पिकनिक मनाने जा रही स्कूल बस पलट गई इस हादसे में 12 बच्चे घायल हो गए इनमें दो तीन को गंभीर चोट आई है बताया जा रहा है कि इस बस में करीब 50 बच्चे बैठे थे वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है रीवा पुलिस कप्तान विवेक सिंह ने शनिवार की देर शाम 11 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं जारी आदेश में पांच टीआई, पांच एसआई और एक एएसआई की विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनज़र नवीन पदस्थापना की गई है यहां भूमेश्वरी चौहान को बिछिया वर्षा सोनकर को सिमरिया प्रकाश चंद्र पटेल को रायपुर कचुरलियान थाने के प्रभारी होंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस ने प्रदेश में एक साथ सात जन आक्रोश यात्रा निकाली है इसी बीच बुंदेलखंड क्षेत्र में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सबको चौंकाते हुए अलग अंदाज में हार्वेस्टर चलाकर जन आक्रोश यात्रा में पहुंचे सतना जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई यहां डॉक्टर और स्टाफ नर्स की लापरवाही के कारण एक महिला को कचरे के ढेर में बच्चे को जन्म देना पड़ा हालांकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के सरकारी दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं सतना जिले के रेगा विधायक कल्पना वर्मा और उनकी निजी सहायक के साथ अभद्रता के आरोपों से घिरे कांग्रेस नेता मनोज बागरी बबलू ने मुचलके पर छूटने के बाद पलटवार किया है उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने राजनैतिक द्वेष के कारण झूठी और निराधार शिकायत दर्ज कराई है एमपी के 5000 से अधिक गाँव में जल प्रदाय योजना की पी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी स्वीकृति हर घर को नल से जल देने की महती योजना की समीक्षा प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में जल भवन भोपाल में संपन्न हुई रीवा बाणसागर से 1607 गांव तामस टामस योजना से अंतरेला तरफ 676 गांव सतना बाणसागर दो से रीवा एवं सिरमौर विकास खंड के 210 सौ गाँव को आने वाले समय में शुद्ध एवं मीठा पेयजल हर घर को नल से जल मिलेगा तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य महाराज का सतना पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया वे यहाँ श्रीमद भागवत कथा का श्रवण कराएंगे इस दौरान जगत गुरु की अगवानी करने गई महिलाओं में से दो को चेन स्नेचरों ने अपना निशाना बना लिया महात्मा गांधी की एक जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया जा रहा है इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस ट्रेनर अंकित बयन पुरिया के साथ श्रमदान किया फिटनेस ट्रेनर अंकित से चर्चा की कहा ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को अपना पहला मेट्रो मिल गया इंदौर में पहले मेट्रो का ट्रायल रन शनिवार को हुआ सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद रहे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया कि मेट्रो को केवल इंदौर तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि 2028 तक इंदौर को मेट्रो के जरिए उज्जैन से जोड़ा जाएगा सीएम शिवराज ने कहा कि हमारा संकल्प है कि 2028 के सिंहस्थ में आप इंदौर से मेट्रो में बैठ महाकाल बाबा के दर्शन करने जाएंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है यहाँ एक युवक ने क्लिनिक में घुसकर एक डॉक्टर और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी आरोपी युवक ने अपने सिर पर भी गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है गोली कांड में मारे गए डॉक्टर महेश डिहरिया बहुजन समाज पार्टी बी के जिला अध्यक्ष थे अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़